नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 14th of August एंड हमारे सोर्सेज रहने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स के असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज, जिसका PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहां से डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहां पे न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग राइस फोर्टिफिकेशन। नाम से क्या पता चलता है, राइस को फोर्टिफाई करना। देखो एक्चुअली में इशू क्या चल रहा है, मैं पहले ये तो बतला देता हूँ। देखो अगर पूरा इंडिया भर में देख लोगे ना, लेवल ऑफ मैलन्यूट्रिशन जो है अभी भी हाई है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हमारी सरकार मेक श्योर करती है दैट हर गरीबों को, हर अंत्योदय लोगों को प्रॉपर खाना मिल सके, राइट? तो हम लोग मेक अगर खाना मिल रहा है उसके बाद भी मैलन्यूट्रिशन क्यों है, क्योंकि उन लोगों को पौष्टिक खाना प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। समझ रहे हो बात? मतलब आपका सिर्फ चावल गेहूं घुसने से नहीं होगा, चावल के साथ साथ अगर वैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी घुस जाए, जैसे आयरन, जैसे फोलिक एसिड, जैसे विटामिन बी, ये सब चीज़ें भी अगर आपके शरीर में जाएगा ना, तो आपका शरीर प्रॉपरली बनेगा और ये मैलन्यूट्रिशन जो है इसकी रेट्स हमारे देश में घटेगी, ठीक है? इसीलिए एक नया इनोवेशन है यह सरकार का, दैट इज़ राइस को फोर्टिफाई करना। राइस को फोर्टिफाई करने का मतलब होता है दैट राइस में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी आ जाए जिससे ऑटोमेटिकली यू नो जो उस राइस को खाए ना, उसको राइस के तो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली मिले ही, बट साथ ही साथ जैसे मैंने डिस्कस किया फोलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन, इसकी भी मात्रा प्रॉपर्ली आपके शरीर में जाता रहे। इस टाइप के राइस को हम लोग फोर्टिफाइड राइस कहते हैं, क्लियर है? और इसी चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो यह कॉस्ट इफ़ेक्टिव है ना, एक बार ही आपको जस्ट इनिशियल फेज़ में जब राइस की जो वो सीड्स है उसके इसमें करना पड़ता है, चेंजेस लाने पड़ते हैं, राइट? और अनडाउटेडली आपको क्या है ना, आप जो राइस जो भी चीज़ें थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स यू नो गरीबों तक पहुँचा रहे हो, उसी के थ्रू आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा और उसी के थ्रू जो मैलन्यूट्रिशन है उसके भी इंसिडेंट्स घट रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट, सुपर गरुड़ शील्ड एक्सरसाइज। ध्यान देना, इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के बाजू यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर के मिलिट्रीज आके यह जॉइंट कॉम्बैट एक्सरसाइज कर रही है। ध्यान दीजिएगा, इसमें इंडिया लेकिन नहीं है ना। आप देखोगे सर ये तो सुपर गरुड़ एक्सरसाइज है, हमने भी तो सुना था कुछ गरुड़ नाम का एक्सरसाइज जो क्या इंडिया और इंडोनेशिया करती है। जी हाँ, वो है गरुड़ शक्ति, जो क्या इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइजेज होता है, वो अलग है, राइट? बट अभी मैं सुपर गरुड़ शील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, जो क्या USA, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर के मिलिट्रीज कर रही है, जिसको शुरू किया गया था 2009 को। और इसका मेन एम यही है दैट इन सब देश के मिलिट्रीज के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी, कैपेबिलिटीज़ बढ़े, ट्रस्ट बढ़े, कॉपरेशन बढ़े, राइट? जिससे जो एम जो है ना, एक लार्जर एम है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को यू नो सिक्योर करना, वह चीज़ जिससे हो सके। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग डिजिटल लेंडिंग, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है ना। डिजिटल लेंडिंग मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ जाओ, उसके बाद हम समझेंगे दैट इसको रेगुलेट करने के लिए RBI ने कौन से गाइडलाइंस निकाले हैं। देखो क्या होता है ना, आपको अगर लोन चाहिए आप कहाँ पे जाओगे, या तो बैंक के पास जाओगे है ना, या फिर कभी कभी मनी लेंडर्स के पास जाओगे। बैंक जाओगे तो बैंक शायद आपको 7-8% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले, वहीं पर अगर आप यू नो अनसिक्योर्ड लोन लोगे तो शायद वहाँ पे आपको 24-30% तक इंटरेस्ट ले देना पड़े। अब क्या होता है ना, एक मिडिल कोर्स भी होता है और वह है ये डिजिटल लेंडिंग। डिजिटल लेंडिंग में क्या होता है, आप इंटरनेट के थ्रू लेंडिंग करते हो है ना, और इंटरनेट के थ्रू ही उसको वापस भी पैसे कर देते हो। तो RBI ने कुछ कुछ गाइडलाइंस निकाले हैं जिससे रेगुलेट किया जा सके इस डिजिटल लेंडिंग एटमॉस्फेयर को हमारे देश में। क्यों? क्योंकि देखो एक समय के बाद RBI को भी पता चल गया है दैट हाँ, बैंक से लोन मिलना कितना मुश्किल है, ठीक है? सबको नहीं मिल पाता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए तभी आपको लोन्स मिलेंगे, राइट? तो ये सब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला बात है, इसीलिए इस चीज़ को रेगुलेट करने की बात की जा रही है। डिजिटल लेंडिंग इन्वॉल्व करती है लेंडिंग थ्रू वेब प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप्स, यही नहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑथेंटिकेशंस को अटेन करना। इससे फ़ायदा क्या होगा दैट हाँ, मतलब सरकार का जो टेंशन था ना दैट हाँ बैंक को यू नो थोड़ा ज़्यादा
सरकार को पहले बोलना पड़ता था प्लीज़ लोन दो, प्लीज़ लोन दो, प्लीज़ लोन दो, अब वो सब चीज़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर चाहे तो इंटरनेट के थ्रू भी किसी से लोन्स ले सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा दैट देश में बिजनेस और भी बढ़ेगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेसेस और भी ज़्यादा प्रोमोट होंगी, ट्रांसपेरेंसीज और भी ज़्यादा आएगी, समझ रहे हो बात। तो ये सब कुछ चीज़ जब प्रोमोट होगा तो अगेन क्यों नहीं लोग डिजिटल लेंडिंग करें भाई। बट क्या है ना दैट सोचो, मैंने आपसे लोन ले लिया, अगर मैंने आपको चुकाया नहीं तो क्या करोगे? क्या आप उसके लिए जा पाओगे सुप्रीम कोर्ट? क्या उस टाइप का एटमॉस्फेयर है? देखो यही तो चीज़, इसीलिए तो RBI इसको रेगुलेट करना चाहती है दैट ठीक है लोग डिजिटल लेंड करें, लोग उससे इंटरेस्ट कमाए, वो बात नहीं है। बट इसके लिए RBI भी बोलती है दैट कुछ कुछ हम लोग ही प्लेटफॉर्म घोषित कर देंगे, उन प्लेटफॉर्म को हम लोग लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे और वह प्लेटफॉर्म ये डिजिटल लर्निंग एक्टिविटीज कर सकती है। तो सवाल होता है तो गाइडलाइंस निकाला है, इस गाइडलाइन के तहत क्या क्या बोल रही है RBI? RBI बोल रही है देखो कोई थर्ड पार्टी इसमें नहीं आएगा, दैट इज हर एक लोन डिस्पर्सल जो किया जाएगा वो बिटवीन द बैंक अकाउंट ऑफ बोरोअर और RBI के द्वारा रेगुलेटेड डिजिटल लेंडर। डिजिटल लेंडर क्या हुआ, जैसे सोचो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आपको लोन चाहिए, ठीक है, आप इस प्लेटफॉर्म में आए, मुझे लोन प्रोवाइड करना है क्योंकि मुझे पैसे कमाना है तो मैं इस प्लेटफॉर्म में आया, तो ये जो प्लेटफॉर्म हुआ ना ये डिजिटल लेंडर हो गया। ठीक है, तो जो भी ट्रांजैक्शंस की जाएंगी वो आपके बैंक अकाउंट, इस डिजिटल लेंडर और इस बंदे के बैंक अकाउंट के बीच में किया जाएगा। कोई भी चार्जेस जो क्या बीच में पेबल किया जाएगा टू द थर्ड पार्टी, जैसे लेंडिंग सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है वाला, ठीक है, तो उसको पेड किया जाएगा बाय द लेंडर और वो कौन रहेगी, बैंक, बोरोअर नहीं। ठीक है, ओनली नीड बेस्ड डेटा कलेक्शंस किए जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं दैट जितना जरूरी है डेटा कलेक्शन करना, है ना, जिससे बाद में कोई फ्रॉड ना हो जाए, उतना ही डेटा कलेक्ट किया जाएगा, हद से ज़्यादा नहीं। ओनली परमिटेड एंटिटीज ही यू नो इस चीज को चला सकती है और वो परमिटेड एंटिटीज RBI के द्वारा परमिशन उसको चाहिए, है ना। और एनी फॉर्म ऑफ डिजिटल लोन स्टैंडर्डाइज की फैक्ट स्टेटमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द बोरोअर, जिससे एक पता चले दैट हाँ कल को अचानक से आप यू नो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा ना दे सको। ठीक है, तो एक प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज की फैक्ट स्टेटमेंट बोरोअर को बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक है, रेगुलेटेड एंटिटीज वर्किंग विद देम मस्ट ऑल्सो हैव अ नोडल ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, होना ही चाहिए यार। देखो जब तक अल्टीमेटली बीच में सरकार नहीं आएगी ना तब तक फ्रॉड का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड बोरोअर मस्ट हैव द राइट टू फॉरगेट इन केस ऑफ डेटा कलेक्शन, मतलब सोचो मेरा काम निकल गया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ दैट हाँ मेरा डेटा जो उस प्लेटफॉर्म में वो ख़त्म हो जाए, मैं उसे रखना नहीं चाहता, क्योंकि डेटा रखोगे तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बाद में वो डेटा किसी को बेच दिया गया तो फिर यू नो प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ों के लिए, ठीक है, एनीवेज नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, UNMOGIP। नाउ ये UNMOGIP कब इमर्ज हुआ था, ये क्या है, पहली बार सुन रहे हैं क्या? चलो डिस्कस करता हूँ। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, ये इमर्ज किया था एज फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 39, जो कि जनवरी 1948 को लिया गया था, जिसके तहत सेटअप किया गया था यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। नाउ 1949 जुलाई के 1949 में कराची एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके तहत रोल डाला गया था यूनाइटेड नेशन लेवल मिलिट्री ऑब्जर्वर और परमिट किया गया था उनको सुपरवाइज करना, जिससे तब के समय में जो पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच में जो सीज फायर लाइन है ना उसको मेंटेन करना। तो देखो तब के समय अलग था, क्योंकि तब के समय अगर जम्मू कश्मीर का कुछ ज्योग्राफी देख लो कुछ ऐसा था, बाद में पाकिस्तान ने इलीगली ये वाला पार्ट को कब्जा दिया। ठीक है, तो इंडिया क्या मानती है, इंडिया और इस चीज़ को नहीं मानती है, इनफैक्ट इंडिया शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 को मानती है। इंडिया मानती है दैट ये यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप ऑफ इंडिया पाकिस्तान जो बना था इसका तो रोल को ओवरटेक कर लिया गया भाई शिमला एग्रीमेंट, और शिमला एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है दैट जो भी चीज़ें डिस्प्यूट है आपके और हमारे बीच में वो हम लोग बायलैटरली सॉल्व करेंगे, कोई तीसरा पार्टी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बीच में क्यों पार्टी आएगी ना पाकिस्तान, बट वो नहीं मानती है, पाकिस्तान डिज नॉट एक्सेप्ट द इंडियन आर्ग्यूमेंट और कंटिन्यू रखती है टू सी कॉपरेशन फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस MOGIP। एज अ रिजल्ट, क्योंकि डाइवर्जेंट पॉलिसी है, पाकिस्तान की अलग पॉलिसी है, इंडिया की अलग पॉलिसी है, ठीक है, सो पाकिस्तान अलग कंप्लेन करती है इंडिया के खिलाफ, है ना। अब देखो
पहले इंडिया के खिलाफ खाली पाकिस्तान कंप्लेन ही किए जा रही थी। तब हमने भी सोचा, अरे भाई वो कंप्लेन कर रही है तो हमें भी तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने 1972 से स्टार्ट कर दिया ऑफिशियली इसके पास जाकर कंप्लेन करने। नाउ इन व्यू ऑफ द डिफरेंस इन ओपिनियन, क्योंकि पाकिस्तान के अलग ओपिनियन होते हैं। पाकिस्तान सबसे समय बोलता है इंडिया के द्वारा सीज फायर किया गया है, और इंडिया तो भैया पीस लविंग कंट्री है, कभी इंडिया क्यों करेगी बताओ, जब तक उकसाया नहीं जाता है ना हम नहीं करेंगे, है ना, ये तो सही बात है। तो अगेन बट उनको ऐसा फील होता है ना दैट पाकिस्तान उनके पास जाती है तो बोलती है दैट इंडिया सीज फायर कर रहा है, इंडिया उनके पास जाती है तो बोलता है पाकिस्तान सीज फायर कर रहा है, तो वो भी खुद कंफ्यूज कर गए हैं ना। और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस मेंटेन करना चाहती है दैट हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल डिसॉल्व ही किया कर देना चाहिए, ठीक है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों पार्टी तो अलग अलग चीज़ बोलते रहती है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नमस्ते, इसकी नमस्ते स्टैंड्स फॉर नेशनल एक्शन प्लान फॉर मेकनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है ना। नमस्ते, ध्यान देना, नाम से ही पता चल रहा है मेकनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एक प्रिपेयर कर रही है नेशन वाइड सर्वे, जिसके थ्रू इनुमरेट किया जा रहा है हर एक इंसान को जो क्या इंगेज है इन हैजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक, क्योंकि ये सब मैनुअल स्कैवेंजिंग करने के बाद बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है, समझ रहे हो। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स क्या कर रही है, अलॉन्ग द ये 500 जो अमृत सिटीज है ना, अमृत मतलब समझे ना अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये 500 अर्बन सिटीज में जाकर इस यूनियन गवर्नमेंट का जो प्लान है नमस्ते प्लान के तहत बेसिकली सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है, जिससे पता लगाया जा रहा है ना। इससे फ़ायदा क्या होगा, स्ट्रीमलाइन किया जाएगा ये रिहैबिलिटेशन प्रोसेस ऑफ दीज वर्कर्स, है ना, और इवेंचुअली इनको मर्ज किया जाएगा एंड रिप्लेस किया जाएगा विद द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। नमस्ते स्कीम ये एक जॉइंट वेंचर है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जिससे जीरो फैटलिटीज हो सके इन सैनिटेशन वर्क इन इंडिया। नो सैनिटेशन वर्कर्स शुड कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ह्यूमन फीकल मैटर। ऑल सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक सैनिटेशन वर्कर्स हैव एक्सेस टू ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव है इस नमस्ते स्कीम का, याद रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट नेथाना बीमा स्कीम, वैसे सच ये उतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के द्वारा ये स्कीम चलाया जा रहा है, बट स्टिल ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल हैंडलूम डे मैं बता देना चाहता हूँ, ये स्कीम जो है ना इसको लॉन्च किया गया था भाई तेलंगाना का सीएम के चंद्रशेखर राव जी के द्वारा ना। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर टू वैसे फैमिलीज जो क्या वीवर्स के फैमिलीज है, जिससे बाई चांस अगर अनफॉर्चुनेट तरीके से डेथ हो जाए तो उनको एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो, ठीक है। तेलंगाना स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल इज द नोडल एजेंसी फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फॉलोइंग फ्लैगशिप प्रोग्राम। एक तो था छेनेता मित्र स्कीम जो कि इनपुट सब्सिडी लिंकेज वेज कॉम्पनसेशन स्कीम है, नेथना नाकू चेयुता स्कीम, ध्यान देखो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल यू नो बतला देना चाहता हूँ, यू नेवर नो किस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछ ले, तो एटलीस्ट वी विल प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। नेक्स्ट इज पवाला वट्टी स्कीम, इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है 20% सब्सिडी टू यार्न या फिर मार्केट सपोर्ट के लिए, ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख लेना। नेक्स्ट शेवलियर दे ला लिजियन ऑफ द ऑनर, फ्रेंच गवर्नमेंट का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये प्रेजेंट किया जा रहा है कांग्रेस के लीडर जिनका नाम है शशि थरूर जी, इनका इंग्लिश बहुत ताबड़तोड़ इंग्लिश है भाई, है ना। तो एनीवेज ये ऑनर कन्फर्म किया जा रहा है क्यों, क्योंकि उन्होंने स्पीच शशि थरूर सिमिलर ऑनर, और ये ऑनर मिला था 2010 को स्पेनिश द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और इनका नाम है इनको मियंडा दे ला रियल ऑर्डर स्पेनोल दे कार्लोस III, है ना, समझ ही जाओ क्या है यार, अजीब टाइप का नाम है ये सब। एनीवेज नेक्स्ट इज नेपोल, अच्छा ये इस अवार्ड के बारे में अगर बात करें फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने इस ऑनर को सेट किया था, एंड ये ऑनर कॉन्फर किया जाता है फॉर एक्सीलेंट या तो सिविल या फिर मिलिट्री कंडक्ट के लिए। नेक्स्ट जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ईरान बोला जा रहा है ईरान में एक्सेप्ट EU प्रपोजल टू रिवाइव न्यूक्लियर डील इफ डिमांड्स मेट। नाउ
पहले तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के रिलेटेड बात करते हैं, उसके बाद आप ये ऑटोमेटिकली समझ जाइएगा। नाउ JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, वैसे ये 2015 को ही साइन के स्टेप्स कुछ कुछ आगे चल दिया गया था। P5+1 कंट्रीज और ईरान के बीच में यह डील हुआ था। P5 मतलब तो पता है आपको, परमानेंट मेंबर्स ऑफ यू नो सिक्योरिटी काउंसिल, और वन जो है ये जर्मनी है, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ के बीच में प्लस जर्मनी ने ईरान के साथ ये निगोशिएशंस करना स्टार्ट किया था, जिससे ईरान जो न्यूक्लियर वेपन्स जो बना रही थी अपने देश में उसको रिड्यूस करे। इनफैक्ट सेंट्रीफ्यूजेस, इनरिच्ड यूरेनियम और हेवी वाटर जो कि ईरान के द्वारा बनाया जा रहा था फॉर द विच आर द अगेन द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इससे ईरान डू अवे कर ले, ठीक है। बट बाद में आपको पता है ट्रंप आए तो ट्रंप ने सारा इस न्यूक्लियर डील से बाहर निकल गए थे। बट अभी फिर से इस न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने की बात की जा रही है, ठीक है। एंड इसके तहत ईरान ये भी एग्री करता है दैट ठीक है, हम लोग प्रोटोकॉल को बिल्कुल मानेंगे और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इनके लोगों को भी हम अलाउ कर देंगे अपने देश में घुसकर हमारे न्यूक्लियर साइट्स को प्रॉपरली निरीक्षण करना, ठीक है, जिससे देखे दैट हम लोग न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बना रहे हैं। हम लोग न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, हम लोग इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हाँ हमारे जो एनर्जी नीड्स है फ्यूचर में वो कवर हो सके। नाउ व्हाई द वेस्ट एग्रीड टू लिफ्ट सैंक्शंस, वेस्ट ने एग्री कर लिया दैट हाँ हम लिफ्ट सैंक्शन कर देंगे, बट बहुत सारे ऐसे सैंक्शंस हैं एड्रेसिंग द एलिस्ट अब्यूजेस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ईरान्स बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, वो लेकिन अभी भी है। इनफैक्ट US ने भी कमिट किया है टू लिफ्ट द सैंक्शंस ऑन ऑयल एक्सपोर्ट, जिससे आराम से वो दूसरे देशों के साथ ऑयल एक्सपोर्ट कर सके। नाउ आप सोचिएगा, अरे यार ये US के पास इतना पावर कहाँ से आ जाता है, ये सबके ऊपर सैंक्शन कैसे लगा सकता है, कभी सोचा है? देखो सैंक्शंस कोई भी लगा सकता है, पता है इंडिया भी लगा सकती है अगर जाए तो, वो यूनिलैटरल सैंक्शंस होता है। सैंक्शंस के तहत फ़ायदा, अब USA का फ़ायदा ये है ना दैट दुनिया जो है उनकी करेंसी इस्तेमाल करती है, US डॉलर, है ना। अब सैंक्शंस अगर वो लगा देना कोई देश के कंट्री में तो उस देश के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो US डॉलर में नहीं करोगे, समझ लो ऐसा हो जाता है, है ना, और दैट इज़ बिकमिंग अगेन वेरी हेक्टिक। तो यही है, US ने कमिट किया है जिससे US लिफ्ट कर सकती है सैंक्शंस ऑन ऑयल एक्सपोर्ट, बट दे कंटिन्यू टू रेस्ट्रिक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विच हैव डिटर्ड द इंटरनेशनल ट्रेड विद ईरान। तो एनीवेज ये कुछ कुछ तो ऐसे प्रोविजंस है जो कि ईरान के साथ जाएंगे, कुछ कुछ तो ऐसे प्रोविजंस है जो कि ईरान के अगेंस्ट जाएंगे। नाउ दिस इज़ हाउ द जियो पॉलिटिक्स एक्चुअली रन। एनीवेज दोस्तों आप देख लेते हैं MCQs जो कि कल के सवाल में मैंने पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था, कल से द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द वर्ड माइनॉरिटीज, एब्सोल्युटली सही था। दूसरा था, नो आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एनी माइनॉरिटीज, बिल्कुल देखो डील तो करता है, हाँ भले ही ये डिफाइन नहीं किया गया है बट हाँ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में डील नहीं किया गया, क्या बिल्कुल किया गया, राइट, तो ये डील ज़रूर करता है। दूसरा नंबर बिल्कुल यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल्स है बिल्कुल जो क्या डील करती है, ठीक है, तो पहला ही यहाँ पे आर्टिकल यहाँ पे सही है, तो इसलिए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। दूसरा, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ऑफकोर्स सी आंसर है। तीसरा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एशियाटिक लायन इज़र आर करेक्ट, देयर IUCN स्टेटस इज क्रिटिकली इंजेंडर्ड, विट इज़ अगेन वेरी ट्रू, एब्सोल्यूटली करेक्ट, राइट। सो उसका करेक्ट सीक्वेंस अगर देख लीजिएगा, दिस इज ACB, 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 BCB, चलो यहाँ पे गलती हो गया बबीता जी, अभिजनी ACB, ACB, BCB, मोप्रान, दर ध्यान से, तो कुछ कुछ गलत है कुछ कुछ सही है, चलो ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बी इन्होंने दिया, ये भी गलत है, एनीवेज चलो होता है कभी कभी। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, रिसेंटली फ्रेंच गवर्नमेंट ने अवार्ड किया शेवलियन द लेजियन दे ऑनर टू विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल जी, शशि थरूर जी या फिर नीतीश कुमार जी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द पार्ट ऑफ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, चाइना, जापान, फ्रांस, जर्मनी, आपको करेक्ट सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है, ये चार कोड्स है आप उसको प्रॉपरली देखिएगा जरूर, ठीक है। एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।